तो यू गाइस वेलकम बैक टू नूडी। तो आज मैं आपको टॉप 3 बेस्ट माइनक्राफ्ट के सर्वर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। इनमें आप बेडवा से लेकर द ब्रिज तक बहुत सारे मिनी गेम्स आप खेल सकते हो, और ये सब सर्वर्स आप बहुत ही ज़्यादा कम GB रैम के फ़ोन में भी खेल सकते हो। बस आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए ताकि ये सब सर्वर्स लैग ना करे। तो फिर चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हम लोग का थर्ड सर्वर निकल के आ जाता है माइनप्लेक्स। अब ये भी एक मिनी गेम सर्वर है जो कि अपने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सर्वर था माइनक्राफ्ट का। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि इसने एक बार गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीत चुका है। और इससे पता चलता है ये खराब सर्वर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक टाइम को इतने सारे जने इससे खेलते थे, तो समझ ही सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ही सर्वर होगा। इस सर्वर का IP अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इस सर्वर का सबसे ज़्यादा बेस्ट बात मुझे ये लगा कि इसमें बेडवर्स को रिप्लेस करके केकवर्स को डाल दिया है, और केकवर्स भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिनी गेम है, आप इसे ट्राई ज़रूर करना। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट सर्वर के तरफ। तो हम लोग का सेकंड सर्वर निकल के आ जाता है हाइपर लैंड्स। अब ये भी एक ऑफकोर्स एक मिनी गेम सर्वर है जिसमें आप बहुत सारे अलग अलग मिनी गेम्स खेल सकते हो, जैसे बेडवर्स, स्काईवर्स एंड मैनी मोर। और ये सर्वर का इस लिस्ट में होने का बस एक ही रीज़न है, इसका मैप्स मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, इसीलिए इस सर्वर को मैंने डाल दिया है। और इसके मैप्स के अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं इस सर्वर को डालने के लिए, जैसे ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक सर्वर है। और यूनिक सर्वर क्यों है ये तो आपको खेल ही के पता चलने वाला है। इसमें आपको ऑफकोर्स ब्रिज और ड्यूल्स भी मिल जाएंगे, ड्यूल्स में आप बहुत सारे PvP के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और इस सर्वर का IP आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो, तो IP डाल के आप इस सर्वर को खेल सकते हो। तो फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट सर्वर की तरफ। तो हम लोग का नेक्स्ट सर्वर निकल के आ जाता है नेदर गेम्स। अब मेरे हिसाब से माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का बेस्ट सर्वर है नेदर गेम, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग थिंग्स हैं, जैसे इसमें आप कीज एंड ऑल कलेक्ट करके आप बहुत सारे अलग अलग फीचर्स को अनलॉक कर सकते हो, इफेक्ट को अनलॉक कर सकते हो। इसमें द ब्रिज से लेकर बहुत सारे अलग अलग मोड्स है। और इस सर्वर को खेलने के लिए आपको बस एक बढ़िया नेटवर्क चाहिए होगा और 3GB रोम तक का एक फ़ोन चाहिए होगा ताकि ये सर्वर लैग ना करे। अगर ये सर्वर लैग करता है तो भाई ऑफकोर्स आप मरेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रो प्लेयर्स आते हैं। और इसमें आप ड्यूल्स एंड ऑल का बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये सर्वर वन ऑफ द मेरा फेवरेट सर्वर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसीलिए मैंने इसे फर्स्ट में रखा है। और अगर आपने ये सर्वर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ भाई एक बार जाके ट्राई करो, यू विल फॉल इन लव विद दिस सर्वर, ये इतना ज़्यादा बढ़िया सर्वर है। तो गाइस यही था इस वीडियो के लिए। ये जो मैंने 3 सर्वर्स बताए ये बेस्ट सर्वर है, और ये तीनों को ट्राई करना मत भूलना। तो गाइस यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लाइक जरूर कर देना, चैनल करके देख लेना, बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते गुड़ में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।